कराची से रुख करते हैं लाहौर का, और खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पीआईसी का दौरा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चीफ जस्टिस के हक में नारे लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस की डेढ़ साल से ऑपरेशन के मुंतजर मरीज से मुलाकात भी हुई है। मरीज ने चीफ जस्टिस को बताया कि डेढ़ साल से ऑपरेशन का वक्त नहीं दिया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने मरीज का मोबाइल नंबर ले लिया है। इसी मामले पर हम मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा नाइट न्यूज अंबर कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अंबर, मरीज से उनकी क्या क्या बात हुई? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आए तो वहां पर जो है तमाम मरीज उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने अपनी शिकायत के उन्होंने अंबार लगा दिए। खातून जो है वो उनके पैरों में गिर गई और उनका कहना था कि मेरा बेटा यहाँ पर दाखिल है, उसका इलाज नहीं हो रहा, बार बार डेट देखी जाती है, एक साल से हम लोग जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के धक्के खा रहे हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में जो है वो बरहम हुए यहाँ की इंतजामिया के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, सेक्रेटरी हेल्थ के ऊपर। उन्होंने का ये कहना था कि जो यहाँ पे जो तमाम मरीज हैं उन लोगों के मसाइल को हल करवाया जाए। इसके अलावा एक और जो है वो मरीज उनके सामने आई और उसने भी यही उनसे शिकवा किया कि वो एक साल से यहाँ पर भटक रहे हैं लेकिन यहाँ पर उनका जो है वो इलाज नहीं करवाया जा रहा है। एक शख्स जो है, एक और शख्स उनके सामने आ गया, गिड़गिड़ाया, उसने भी यही सवाल किया कि हमें दिल का मरीज हूँ लेकिन ना यहाँ पर सहूलियात है ना डॉक्टर्स जो है वो बात सुनते हैं, एक से डेढ़ साल की जो है वो डेट दी जाती है। बिल्कुल, तो सेहत से मुतालिक तमाम जो उमूर है उनको खुद जायजा लेने के लिए चीफ जस्टिस यहाँ पर पहुंचे, और चीफ जस्टिस जब पहुंचे उनके हक में क्या क्या नारे लगाए गए अपने नाज़रीन को वो भी सुनाते हैं। बेशुमार।